राधाराशेश्वरी रम्या कृष्णमंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा कृष्ण कृष्ण बल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वा श्री राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परतरा पूर्णा पूर्णचंद्रानी भानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भवव्याधि विनाशिनी। ऋग्वेद की हम राधा उपनिषद का दर्शन और पाठ कर रहे हैं। ऋग्वेद में ये राधा रानी की स्तुति 28 नामों से की है ब्रह्मा जी ने। कहते जो लोग श्री राधिका ना जानकर, श्री राधिका जी को ना जानकर श्री कृष्ण आराधना करना चाहते हैं वो महामूर्ख मूढ़तम है। इसलिए श्रुतियां इन्हीं नामों का गान करती हैं। हमने श्रवण किया था राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या आज वृंदावन विहारिणी। आप में से कोई भी व्यक्ति राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या का अर्थ करे तो मुझे सुख होगा। एक भी चीज का अर्थ, एक का किसका करना चाहेंगे आप? फेस उधर कर दो। हाँ कोई बात नहीं, मंत्रादि देवता मैंने जो बोला था वो बताओ। तुम कौन सा बोल सकते हो? हाँ बोलो। जो कृष्ण मंत्र का अधिष्ठाता देव है वो कृष्ण है, और कृष्ण को जो देने वाली है, जो अधिष्ठात देव को देने वाली जो राधानी है उसी को राधा मंत्रादी देव। सुनो, राधा को कृष्ण मंत्राधि देवता, कृष्ण मंत्र के जो अधिदेव हैं उनको भी जो दे दे, या यूं कहें कृष्ण मंत्र के अधिदेव जो कृष्ण हैं जिनके द्वारा देते हैं वो देवता, देने वाली शक्ति वो देवता। आगे कहते हैं वृंदावन विहारिणी। वृंदावन, वृंदा देवी जिनको हम तुलसी महारानी कहते हैं, ये स्वयं श्री राधा का ही स्वरूप है। परंतु मूल रूप से वृंदावन जो है, नित्य गोलोक धाम वृंदावन, वो बलदेव स्वरूप है। उस वृंदावन में जहां योगमाया देवी वृंदा के स्वरूप में है, और वो योगमाया साक्षात बलदेव की निज शक्ति है। योगमाया बलदेव की मूल प्रकृति है, कृष्ण की ही कही जाती है, लेकिन जैसे बलदेव कृष्ण राधा एक है ऐसे। तो उस वृंदावन धाम का अंदर जो विहार करते हैं, वृंदावन में जो विहार, वृंदावन में क्या अन्य पेड़ पौधों का उल्लेख होना
वृंदावन कहलाना उचित है? वृंदावन तो तुलसी जी का वन, वही होना चाहिए। वृंदावन में और गुलमलता, पेड़ पौधे, ये सब वृंदावन कहलाए जाएंगे? जी हाँ, है हाँ, तमाल है और कदम है, आम है, ये है सब कुछ, ये वृंदावन कहलाए जाएंगे? जी हाँ। क्यों? वृंदावन मतलब वृंदा देवी के द्वारा संरक्षित ऐसा एक उपवन जिसमें सब प्रकार के पौधे हों और सब प्रकार के वृक्ष गुलमलताएं हों, जिसमें कृष्ण को सुख देने के लिए कुंजों का निर्माण हो, जिन कुंजों में प्रवेश करने के बाद में बाहर से कुछ भी नजर ना आए, ऐसे निकुंज उपवन हो, उसे वृंदावन कहते हैं। ये बिल्डिंगों का जो ये जो जंगल है, इसे वृंदावन। तो क्या नंद यशोदा महाराज के समय पे, कृष्ण के समय पे इस वृंदावन में बिल्डिंगें नहीं थी? अगर उस समय को देखेंगे तो नंद महल का वर्णन आता है, नंद भवन का वर्णन आता है शास्त्रों में। तो महल तो थे, कैसे थे? मणि माणिक्य के महल थे, और वो महल ऐसे नहीं थे कि वनों को नष्ट कर रहे हों। वृंदा देवी के वन में ये सारे के सारे महल इसी प्रकार से लगते थे, मानो बड़े सुंदर ही आसन के ऊपर मणियां बिछाई हुई हों। और इन वृंदावन के अंदर श्री राधा जी की विहार लीला, क्या राधा जी अपने महल में हैं तो वृंदावन में विहार नहीं उनका? निज महल में तब भी तो वृंदावन में विहार है। तो ये वृंदावन में विहार, स्पेशल विहारणी शब्द क्यों प्रयोग किया गया? इसका है निकुंज में विहार करने वाली, वन में विहार करने वाली, महलों में विहार करने वाली तो ऐश्वर्यशाली है। यहां वृंदावन विहारिणी शब्द आने से वन विहारिणी है, अर्थात वन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी की सुख के लिए उनके साथ श्याम सुंदर को लेकर के जो विहार करती है, विहार मतलब विचरण करती है, लीला करती है, उठती बैठती खाती पीती, वो सारी के सारे वृंदावन विहारिणी लीला है। वो फिर अलग हो गए। यहां वृंदावन विहारिणी स्पेशल शब्द तो दिया है, आपका जो प्रश्न मैं रिपीट कर देता हूं, लोगों को समझ नहीं आया होगा। महल में रहने वाली वृषभानु दुलारी, नंद महल में जाने वाले जो जो है नंद महाराज की बहू है, यशोदा मैया की बहू राधा रानी, वो तो महलों में है तो वो वृंदावन विहारिणी नहीं कही जाएंगी। महलों में रहने वाली रानी जो है वो रानी है, बहू है, लेकिन वो सारे का सारा कहाँ पे है? वृंदावन में तो है महल, सारे महल कहाँ है? वृंदावन में। तो वो भी वृंदावन कहा जाएगा, वृंदावन के अंतर्गत होने के नाते वृंदावन कहा जाएगा। लेकिन जब वन विहारनी शब्द आ गया तो वन में विहार करने वाले, अपने महल में कम, वन में ज्यादा। कैसे? प्रैक्टिकल। कृष्ण गोचारण के लिए गए, राधा रानी पूजा के लिए गई, कृष्ण आए रात्रि में ठाकुर जी की निकुंज लीला की लीला। दिन में तो राधा रानी भी कुंज में है, रात को तो कुंज में, इसलिए उनके लिए स्पेशली वृंदावन विहारिणी शब्द का प्रयोग श्रुतियों ने किया है। वृंद्या आराध्या, वृंदा आराध्या, योग माया वृंदा देवी भी जिनकी आराधना करती हों। आराध्या बोलने का मतलब जिनकी आराधना की जाती है उनके अनुसार व्यवस्थाओं का निर्माण करना,
उनके अनुसार व्यवस्थाएं बनाना। मानो श्याम सुंदर आए नहीं और श्री राधा रानी को उनकी अपेक्षा है आ जाएं, लेकिन संकेत कहाँ से मिलेगा? तो वृंदा देवी अपने आराधना के कारण से उनको सुख देने के लिए मयूरों को, पक्षियों को एकदम तैयार रखती हैं। कृष्ण को देखते ही तुम कूक मारोगे, उसके बाद तुम्हारी, फिर कोयल की, फिर उसकी उसकी, ये जो चहचकाना जो है ये राधा रानी को आनंद देने की जो क्रिया है, यही वृंदा देवी की राधा रानी के प्रति आराधना है। कुंज भंग लीला जैसे है ना, ऐसे कृष्ण आगमन की लीला भी है। अभी वैसे भी कृष्ण के आगमन का समय हो गया है, गोधूली का समय है, आइए ठाकुर जी की आरती के अंदर वृंदे आराध्या, वृंदा आराध्या, वृंदावन विहारिणी श्री राधा रानी को चिंतन करते हुए, ऋग्वेद की राधा उपनिषद को प्रणाम करते हुए, वंशा कल्पत्र श्री कृपा सिंधु पतिता नाम पावन वैष्णव। हाँ?